अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हमने सहरी कर ली है। आज ज़रा सहरी में उठने में थोड़ी सी देर हो गई थी, बट फाइनली हम उठ गए। अम्मी जान की वजह से उठ चुके हैं। हम लोगों ने सहरी भी कर ली है। आज सहरी में फटाफट अच्छा हुआ, मैंने रात में आटा वगैरह गूंथ के रख दी थी। अगर आटा वगैरह नहीं गूंथी तो आज सहरी करने में दिक्कत हो जाती थी। पता नहीं यार, फ़ोन भी अलार्म कब बजा पता ही नहीं चला, नींद लग गई। फिर भी अम्मी वक्त पर उठ गई थी। हम लोग तो वैसे 3 बजे से उठ जाते हैं, तो आज ज़रा सा लेट हो गया, पर फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह से सहरी हो भी गई। और अभी तक टाइम भी नहीं हुआ है ख़त्म सहरी का। तो आज हम लोग ने हमारे सहरी में मैंने खाई आज फिर आलू का पराठा बनाया था, क्योंकि मेरा बेटा अंडा रोटी वगैरह कुछ खाता नहीं है। तो आज हम लोग ने तो अंडा रोटी खाए है और मेरा बेटा आलू का पराठा खाया और थोड़ा फ्रूट्स खाकर हम लोग बैठे हैं। तो यहाँ पर मैंने रोटी वोटी बनाई थी, तो वो आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। तो इंशाल्लाह दिन भर जो भी एक्टिविटी करूँगी आप मेरे साथ शेयर करूँगी। और आज क्या बनाऊँगी अफ्तारी में वो अभी तक डिसाइड नहीं करी हूँ, क्या बनेगा देखते हैं। अभी आगे जोहर तक सोकर थोड़ा उठेंगे, बच्चे स्कूल भेज दूँगी, फिर मैं सोकर उठूँगी, फिर उसके बाद सोचेंगे कि आज क्या बनेगा। तो मैं दिखाती हूँ आज मैंने क्या खाई थी, आलू का पराठा, रोटी, अंडा खाई थी मैंने। वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी जोहर का वक्त हो चुका है और मेरी इफ्तारी प्रिपरेशन तो चल ही रही है। तो आप लोग बता सकते हैं कि मैं आज क्या क्या बनाने वाली हूँ, कुछ तो हिंट दे सकते, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो चलिए, आप लोग क्या पता गैस कर पाओगे या नहीं। तो आज मैं भजिया वजिया कुछ नहीं बनाऊंगी, बिल्कुल ऑयल की चीज़ कुछ भी नहीं बनाने वाली आज भी। आज डे 2 है ऑयल के बिना खाने वाली चीज़ों का। तो आज मैं बनाने वाली हूँ कीमे की मकरोनी, या कीमे के साथ पास्ता बोल दो, क्योंकि मकरोनी तो वो उसको बोलते हैं कीमे के साथ उसको अगर हम लोग बनाते। तो मैं आज चिकन के कीमे की मैक्रोनी बनाने वाली हूँ। तो आप लोग इसे पास्ता भी बोल सकते हैं या मैक्रोनी बोलो, जो भी आप लोग को बोलना है बोलो। तो उसकी रेसिपी आप लोग से शेयर करूँगी, फटाफट से नोट डाउन कीजिए और इफ्तारी में खाइए, मज़े लूटिए उसके। और बच्चों को तो ये बहुत पसंद है, मेरे बच्चों को तो काफ़ी पसंद है। मैं उनके लिए स्पेशली बनाऊंगी, क्योंकि माशाल्लाह से मेरे बड़े बेटे के रोज़े तो पूरे मुकम्मल होते जा रहे, जैसे जैसे दिन जा रहे, तो उसी के लिए स्पेशल डिशेस बनाती हूँ मैं। क्योंकि इंसान देखिए रोज़ भजिया खा के बोर भी हो जाता है, कि रोज़ भजिया खाना है, रोज़ भजिया का काम करो और अपना फ्रोज़न चीज़ें खाओ। तो मैं तो बहुत बोर हो जाती हूँ रोज़ यही खा खा के, इसलिए रोज़ नवी नवी चीज़ें खानी चाहिए। क्योंकि रमज़ान है, अभी रमज़ान के दिनों में ये सब खाए जाते हैं, वरना ये सब चीज़ें तो कुछ ओकेशन हो या कुछ पार्टी हो, कुछ फंक्शन हो, तभी हम लोग खाते। तो इसलिए आज मैं मकरोनी बनाऊँ, इसके साथ मैं और कुछ सोच रही हूँ, तो देखती हूँ मैं क्या बनाऊँगी उसके साथ। शायद हो सकता है मैं आप लोगों के लिए एक सैंडविच भी बना के बताऊंगी, जो मेयो सैंडविच है, चिकन मेयो सैंडविच बनाऊंगी अलग तरीके की, तो वो भी इसमें डाल दूंगी मैं आप लोगों को। तो मैं आज 2 डिशेज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी सारी की। तो आप लोग इसे देखना, आप लोग इसे ट्राई करना, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह मैं रोज़ रोज़ आपके लिए, चाहे रमज़ान हो या ना हो, हर दिन आप लोगों के लिए वीडियो लाते रहूँगी, कुछ ना कुछ इन्वेंट कर करके। तो ठीक है, चलिए फटाफट से आप लोग रेसिपी नोट डाउन करो और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और लाइक तो बनता है, मैं आप लोगों के लिए रोज़ वीडियो लाती हूँ। और रमज़ान में मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट है, लाइक तो आप लोग कर ही सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं सिर्फ एक बटन दबाने से, और सब्सक्राइब भी आप लोग कर ही सकते। तो चलिए जल्द शुरू करते इफ्तारी की रेसिपी। ना मैंने सैंडविच बनाने के लिए ना देखिए चॉप ऑनियन ले ली हूँ 1 से 2, एक आधी शिमला मिर्च ली हूँ मैंने चॉप करी हुई, टमाटो मैंने चॉप करी हूँ और 1 से 2 ही ये सब चीज़। और मैंने देखिए 2 आलू ले ली हूँ उबला हुआ, और यहाँ पे मैंने ना चिकन ली हूँ, मैंने बस चिकन श्रेडेड करके मैंने रख दी थी इसको, तो मैंने कई इस्तेमाल करूँगी। और इसी के साथ साथ अभी मैं और भी इन्ग्रीडियंट इसमें क्या क्या लगेगा आप लोगों को बताती हूँ। सैंडविच बनाने के लिए मैं क्या करूँगी पता है आप लोगों को, सिंपल सी रेसिपी है। यहाँ पर मैंने तवा देखिए गर्म हो चुका है, तो मैं ना इसमें भी कोई ऑयल तो नहीं डालूँगी, हल्का सी तेल दिख रहा होगा आपको तवे में। तो मैं इसमें है ना कांदा डाल रही हूँ, इसे इन चीज़ों को ना मैं सिर्फ सॉटे करूँगी, हमें ज़्यादा गोल्डन ब्राउन वगैरह ऐसा नहीं, सिर्फ सॉटे करना है बस, ताकि ना एक फ्लेवर आ सके हमारे चिकन मेयो सैंडविच में।
ये मैं मेरे तरीके का बता रही हूँ, बहुत सिंपल सी रेसिपी, आप लोग फटाफट इसे बना सकते हैं अफ्तारी के पहले। तो आप लोग इसे नोट डाउन करिएगा और इसे ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके बताना आप लोगों को ये रेसिपीज मेरी कैसी लग रही है। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आ रही है, आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं और रेसिपीज आप लोगों के साथ शेयर करते रहूँगी। तो देखिए, सबसे पहले मैंने अभी कांदा सौटे करने के लिए छोड़ दी इसमें। तो अभी इस तरह से हम लोग इसे मिलाते रहेंगे। आपको हाथ नहीं रोकना, चलाते रहना, वरना कांदा जल जाएगा। हमें कांदे को जलाना नहीं है बिल्कुल भी, हमको इसी तरह से इसको सौटे करना है बस, ताकि एक लुक और टेक्सचर अच्छा आ जाए हमारा कांदे को। हाई फ्लेम ही हमको रखना है इसको सैंडविच के लिए। आप लोग सोच रहे हैं कच्चा, क्योंकि देखिए चिकन मेयो सैंडविच है, कच्चा कांदा डालेंगे तो मुंह का जायका ख़राब हो जाएगा, मैं ऐसे मानती हूँ। अगर आप लोगों को सौटे नहीं करना है, सब कच्ची चीज़ें डालना है, तो आप लोग इसे स्किप करके कच्ची भी डाल सकते हैं, आपके ऊपर है। मैं तो ऐसे ही करके डालती हूँ क्योंकि मुझे ऐसे ही टेस्ट अच्छा आता है। अभी देखिए मैं इसमें शिमला मिर्च भी ऐड कर रही हूँ, सारी शिमला मिर्च हमको ऐड कर देनी है। एक्चुअली देखिए, आप लोग बोलना ये नहीं सोचना कि मैं बहुत टाइम लगाती हूँ वीडियो बनाने में, एक्चुअली मुझे खुद ही शूट करना पड़ता है क्योंकि मेरे बच्चे के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो वो बहुत बिजी रहता है पढ़ाई वढ़ाई में, तो इसलिए मैं खुद ही शूट करती हूँ, इसलिए ज़रा देर हो जाती है। तो आप लोग प्लीज़ इसे इग्नोर करना, जैसे उसके एग्ज़ाम ख़त्म हो गए तो फिर इंशाल्लाह फटाफट से वीडियो आप लोगों के लिए फास्ट फास्ट वाले वीडियो जाते रहेंगे। तो देखिए मैं इसे भी सौटे कर रही हूँ इसी तरह से। आई नो आप लोग सोचते रहेंगे कि नगमा कितना बोलती है, तो मैं आप लोगों के लिए ये सारी चीज़ें बोलते रहती हूँ कि आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगती रहेगी। तो आप लोग वो भी कमेंट करके बताना कि मेरी बातें आपको कैसी लगती है। इस तरह से हमें चलाते रहना है, क्योंकि हम इसे चलाना बंद कर देंगे तो ये जलने का डर हो जाएगा मुझे। अभी इसी के साथ साथ है ना, मैं इसमें ये टमाटो भी डाल रही हूँ। अभी हमें इसे सारी चीज़ों को मैं इसे सौटे ही करते रहूँगी। देखिए आपको दिख रहा होगा माशाल्लाह से कांदे का कलर बदल चुका है, अच्छी तरह से सौटे हो रहा है वो। मैं एकदम जूम वीडियो आप लोगों के लिए बना रही हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। और इतना तो मॉम्स को आता ही है, क्योंकि देखिए घर का काम तो मॉम्स ही करती है, मॉम है, नानी दादी सास जो भी है, सब लोग यही सब करती है, मॉम्स लोग ही करती रहती है काम, तो ये सिंपल है। आप लोग हमको तो आता ही है ये सब करते रहने के लिए, क्योंकि हमारे बचपन से ही हमको सिखाया जाता है खाना वगैरह पकाने के लिए। बचपन बोले तो मीन्स जैसे कि हम लोग बड़े हो जाते वैसे वाले बचपन में, एकदम भी छोटे बचपन से नहीं सिखाया था, इतने भी जुल्मी नहीं है परिवार वाले, आप लोग ऐसे मत सोचना। मुझे तो काफ़ी बहुत सालों बाद सिखाया गया था, ऐसा नहीं कि मैं पहले से ही सब कुछ जानती थी, पर अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी मेरी अम्मी अब्बू ने जितना भी सिखाए, आज मैं देखिए आप लोगों की खिदमत में बना बना के आपको दिखाती रहती हूँ। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से ये सौटे हो चुका है, और इसमें कुछ मेरी नानी जान ने भी मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाए हैं, और कुछ मेरे शोहर ने भी मुझे सिखाए, तो यही सब लोग हैं जो मुझे सिखाए हैं अच्छी अच्छी चीज़ें बनाना, तो वही आप लोगों के साथ मैं शेयर करते रहती हूँ। आप लोगों को पसंद भी आ रही है मेरी सारी चीज़ें, तो बस मेरी दिल से यही दुआ है कि मैं आप लोगों के लिए बनाते रहूँ और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। तो देखिए ये अच्छी तरह से सौटे हो चुका है, तो अभी मैं गैस बंद कर देती हूँ और इसे अभी हम साइड में निकाल के रख देंगे ठंडा होने के लिए। ये देखिएगा मैंने इस तरह से ना यहाँ पर आलू को मैश कर दी हूँ, और मैंने देखिए काला मिर्च पाउडर भी ले ली हूँ, और चिल्ली फ्लेक्स भी है, और मेरे पास ओरेगैनो रखा हुआ है, और मेयो तो मेरे पास एगलेस मेयो लियो, आप लोग एगलेस भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, या कोई फ्लेवर वाला आप लेना चाहे तो आप वो भी ले सकते हैं। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं, इसकी फीलिंग बताते हैं आपको। तो सबसे पहले हम ऐड कर देंगे आलू, उसके बाद हम ऐड कर देंगे हमारा चिकन, इसके बाद जो हमने सौटे किए हैं ना कांदा वगैरह, हम वो इसमें ऐड कर देंगे। अभी हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा चिल्ली फ्लेक्स, और इसके साथ थोड़ा काला मिरी, फिर इसी के साथ में थोड़ा ओरेगैनो, और इसके साथ अभी मैं मेयो ऐड कर दूंगी,
आप लोग फ्लेवर वाला भी ले सकते हैं। अभी मैं सारी चीज़ों को मिला लूँगी अच्छी तरह से। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, देखिए माशाल्लाह से मैंने यहाँ पर देखिए चिकन मेयो का बैटर रेडी कर दी हूँ। तो आप लोग है ना इस तरह से इसे रख दीजिए, फिर अभी हम इसे ब्रेड में कैसे आगे प्रोसेस करना है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर है ना देखिए सारे ब्रेड में हम लोग मस्का लगा दे रहे हैं। मस्का हमको अंदर नहीं लगाना है, दोनों साइड के ऊपर नीचे लगाना है, क्योंकि हम इसे सेकेंगे तो अच्छी तरह से ये लाल लाल हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी है ना मैं देखिए ब्रेड रख दी हूँ मस्का लगाकर। तो अभी हम इसमें जो फिलिंग बनाए थे ना चिकन मेयो की फिलिंग, हम इसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे चारों साइड में। और इसके ऊपर हम लोग चीज़ की एक स्लाइस रखेंगे। आप अक्खी चाहिए जो चीज़ चाहिए आप लोग वो चीज़ इस्तेमाल कर सकते, मोजरेला क्रश चीज़। तो मैंने ये स्लाइस चीज़ वापड़ी हूँ, आपको जो चाहिए आप लोग वो यूज़ करके और वन साइड से इसे बंद कर दीजिएगा। मैंने ना एक ग्रिल पैन रख दी हूँ मेरी सैंडविचेस बनाने के लिए। मैं आज ओवन में से ग्रिल नहीं करने वाली, आपको चाहिए तो आप ओवन में भी पका सकते हैं। मैं आज तवे में पका कर आपको बताऊँगी। देखिए एक साइड से ये पक चुका था तो मैंने दूसरे साइड इसे पलटा दी हूँ। अभी दोनों साइड से ये अच्छी तरह से पक चुका है, देखिए। तो दोनों साइड से मैंने पलटा के बता दी, अभी मैं इसे निकाल लूँगी। पर माशाल्लाह से देखिए मेरे सैंडविचेस कितने प्यारे से बने हैं, आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। पहले ना मैंने यहाँ पर है ना 4 से 5 टमाटर कट कर दी हूँ, चॉप करा हुआ है। और 3 से 4 शिमला मिर्च कट कर दी, वो भी चॉप है। और एक मुट्ठी हरा धनिया ली हूँ, जो मैं मकरोनी के लिए सब लेके तैयारी करके कट करके इसे रख दी हूँ। और यहाँ पर मैंने ना 8 से 10 कांदा देखिए चॉप कर दी हूँ इस तरह से, क्योंकि मकरोनी में कांदा रहेगा तो उतनी अच्छे से वो बनेगी। मैं आज अलग तरीके की मकरोनी बनाने वाली हूँ, कीमे को पहले पका कर फिर हम इसको मकरोनी ऐड करें, तो ये अलग तरीके की, आप लोग इसे देखना। ये बहुत ही कम इन्ग्रीडियंट में बनती है, आप लोग को अच्छी लगेगी ये। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने ना यहाँ पर आधी हंडी पानी ले ली हूँ। अभी मैं इसमें है ना 1 चम्मच भर के नमक ऐड कर दूंगी हमारे मैक्रोनी को बॉईल करने के लिए। तो अभी पानी थोड़ा गर्म हो जाएगा तो ही मैं आगे के प्रोसेस इसमें करूंगी। इसमें मैक्रोनी डालूंगी और मैक्रोनी हमें ज़्यादा गलाना नहीं है, मीडियम गलाना है, वरना वो लब्धी हो जाएगी। हमें थोड़ा कम गली हुई रहेगी, हल्का थोड़ा कड़क रहेगी तो हमें निकाल देना। इसके पानी में बुलबुले आ रहे हैं। यहाँ पर मैंने है ना 700 से 800 ग्राम है ना मैंने पास्ता ली हूँ यानी मकरोनी। तो अभी मैं इसमें है ना इसे ऐड कर दूँगी। मैंने है ना चिकन को देखिए इस तरह से पीस ली हूँ, कीमा कर दी हूँ इसका। मैंने 1/2 किलो चिकन ली, आप लोग ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। अभी गैस ऑन कर दी, अभी मैं यहाँ पर ये बड़ी सी अंडी रख रही हूँ। अभी इसका पानी जो ऑब्जर्व हो जाएगा तो फिर मैं इसमें तेल ऐड कर दूंगी। 4 से 5 चम्मच भर के इसमें तेल ऐड कर दूंगी। अंडी अच्छी तरह गर्म हो चुकी है मेरी। ये मेरा कांदा अच्छा पिंकिश कलर का होते हुए आ रहा है, हल्का स्लाइटली उसे गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, मुझे नरम ही रखना है मेरे कांदे को। अरे ना मैंने कुछ चीज़ें ले ली मसाले। मैंने 1.5 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर ली हूँ, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स ली हूँ, 1 चम्मच जीरा पाउडर है, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर है, 1 चम्मच ओरेगैनो है, 1 चम्मच हल्दी है, 1 चम्मच नमक स्वाद अनुसार है। इसमें ना ऐड कर दूँगी मेरा ये चिकन का कीमा। और अभी मैं कीमे का कलर चेंज होने तक इसे पका लूँगी। देख सकते हैं मेरा चिकन देखिए किस तरह से अलग कलर वाइट कलर का हो गया है, इसका मतलब है वो अच्छी तरह से भून चुका है। अभी मैंने ये जो मसाले लिए हूँ ये इसमें ऐड कर रही हूँ मैं। मेरा मसाले में ना चिकन कीमा अच्छी तरह से भून चुका है। इसमें देखिए कोई पानी इसने नहीं छोड़ा है, पानी सब अब्जॉर्ब कर लिया है इसने। तो अभी मैं इसी के साथ में ना इसमें शिमला मिर्च ऐड कर दूँगी। मैं इसमें शिमला मिर्च ऐड कर रही हूँ, फ्लेम को मैंने स्लो कर दी हूँ। चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लूँगी।
थोड़ा हमारा शिमला मिर्च थोड़ा नरम होने तक मुझे इसे पकाना है। अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर रही हूँ एक चम्मच भर के। अभी मैं इसे भी अच्छी तरह से इसमें भून लूँगी। अदरक लहसुन भी अच्छी तरह से भून चुका है, कलर और टेक्सचर देख के माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा आप लोग। अभी मैं इसमें ऐड कर दूँगी टमाटर। मैंने टमाटर वगैरह अच्छी तरह से मिला दी हूँ, इसे भी थोड़ा पकने दूंगी मैं। ये टमाटर सब अच्छी तरह पक चुके हैं, मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आधा चम्मच सोया सॉस, एक चम्मच भर के रेड चिल्ली सॉस और एक चम्मच भर के ग्रीन चिल्ली सॉस। सॉस सब वगैरह अच्छी तरह से पक चुके हैं, अभी मैं इसमें ऐड कर दूंगी मेरी मैक्रोनी को। सारी चीज़ें देखिए अच्छी तरह से मिल चुकी है, आप लोगों को क्लोजअप दिखा देती हूँ, माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। तो यहाँ पर अभी मैं थोड़ा भाप आने दूंगी और फिर हमारी मैक्रोनी तैयार है। मैं भी थोड़ा सी कोथमीर भी इसमें ऐड कर रही हूँ, आप लोग चाहिए तो इसमें चीज़ भी ऐड करके खा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से मेरी गर्मा गर्म मकरोनी चिकन कीमे की तैयार हो चुकी है, आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। तो माशाल्लाह से देखिएगा यहाँ पर हमने फालूदा बनाए थे आज, और यहाँ पर देखिए माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा, यहाँ पर मैंने सारा दस्तरखान लगा दी थी और अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छा बना था। अल्लाह ताला बस हर किसी का दस्तरखान ऐसे ही भरा रखे और हर किसी की रोज़ी रोज़गार में बरकतें अता फरमाए। बस अल्लाह ताला जो भी नेमत हमें भेजते हैं हम उसका शुक्र अदा करते हैं, और अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करेंगे हम कम है। और यहाँ पर देखिए मेरे बच्चे भी दुआएँ कर रहे थे बैठ कर, दोनों तो दोनों जन बैठे थे दस्तरखान पर। और इसी के साथ हमने तो यहाँ पर है ना मैंने देखी है रसभरी जेली भी बनाई थी, मैं आप लोगों को बताने भूल गई थी, और इसकी रेसिपी की तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि जेली तो हर किसी को आता है, सिर्फ पानी में ही इसे बनाना रहता है। तो माशाल्लाह सब चीज़ अच्छा था, और मैं एक बार आपको फिर दस्तरखान पर रखकर सारी चीज़ें बता रही हूँ। तो आई होप आप लोगों को मेरी आज रमज़ान 5th रोज़े की रेसिपीज अच्छी लगेगी। तो आप लोग सैंडविचेस और इसी के साथ में कीमे के मैक्रोनी को ज़रूर ट्राई करिएगा, आप लोगों को पसंद आएगी ये रेसिपीज़। तो मैं इंशाल्लाह, मुझे कमेंट करके भी बताइएगा आप लोग कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही है। इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगी न्यू तरीके से आप लोगों के लिए रेसिपीज़ भी लाऊं और मज़े के ब्लॉग भी आप लोगों के लिए लाते रहे। तो चलिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, इबादत करिएगा, नमाज़ पढ़िएगा और अपने बड़े छोटों की हमेशा इज्जत करिएगा और उनको प्यार दीजिएगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।